हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे इंडियन फ्लैग ड्रॉ करना, तिरंगा झंडा ड्रॉ करना, कि किस तरह से हम तिरंगा झंडा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, बिना कोई ड्राइंग टूल यूज़ किए हुए, बस सिंपल अपने हैंड से किस तरह से आप एक तिरंगा झंडा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी, आपको ड्राइंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरह से, हमें विदाउट स्केल, आपको स्केल भी यूज़ नहीं करना है, बस आपको अपने हैंड से इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बस इतना ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले हम इस तरह से हम स्ट्रोक्स, लेयर बाय लेयर स्ट्रोक्स खींचेंगे, ताकि एक स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आए, और उसके बाद हमें इस तरह से भी लाइन खींचना है। तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है, हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है नीचे की तरफ। उसके बाद हमें एक और स्ट्रेट लाइन खींचना है इस लाइन से पैरेलल। तो इस तरह से आप लेयर बाय लेयर खींच कर, लाइन खींच के इसे स्ट्रेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपको कोई स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह के ड्राइंग किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हैंड से बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इसे थोड़ा कर्व करना है, इस तरह से हमें यहाँ पर कर्व करना है, और फिर इसे जाकर इस तरह से मिला देना है। सेम नीचे भी हमें इसी तरह से इस लाइन को इस तरह से कर्व करना है, और उसके बाद हमें इसे इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। अब हमें ये जो फ्लैग का जो पार्ट है, इसे हमें तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये ध्यान रखना है कि तीनों लाइन बराबर हो। तो सेम इसी तरह से हमें लेयर बाय लेयर हमें इस तरह से ड्रॉ करना है लाइन, और उसके बाद हमें इसे पैरेलल ही रखना है, और यहाँ पर जाकर हमें इसे इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमें इस बीच वाले पार्ट पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें एक ओवल शेप यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से ड्रॉ करना है। फाइनली हमने स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब इसे सबसे पहले अब इसे हम आउटलाइन कर लेते हैं। तो अब इसे हम जल्दी से कलर भी कर लेंगे। सो गाइज, फाइनली तिरंगा झंडा बन के तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।